इस वीडियो में आप जानेंगे कि बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कैसे देखते हैं। ध्यान रखे रहिएगा, बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट मैं आल यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा। जितनी भी इंडिया की यूनिवर्सिटी हैं, सभी इंडिया की यूनिवर्सिटी के बच्चे, स्टूडेंट, भाई, बंधु, बहनें, जितने भी लोग हैं, ध्यान से सुन लो। मैं इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर 2090 का रिजल्ट, यानी 2090 या अनलिमिटेड, जब भी जो भी ईयर हो उससे कोई मतलब नहीं है, मैं एक बार बता देता हूँ कि बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कैसे देखते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर या कोई भी सेमेस्टर हो, रिजल्ट कैसे देखते हैं फर्स्ट ईयर का, ओनली फर्स्ट ईयर को। तो ध्यान से देखते रहो। इसमें सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। कौन से ब्राउजर? क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे सर्च करना होता है एम जी के वी पी। क्या मैंने बोला एम जी के वी पी? या बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट यहाँ पे सर्च करेंगे, लिख के बीए फर्स्ट ईयर रिजल्ट 2090 तो वैसे नहीं आएगा, आपको लिखना पड़ेगा एम जी के वी पी, यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। इस बात को ध्यान रखे रहिएगा कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ओनली ऑल ओनली बनारस के लिए है। यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो नीचे दी गई हैं, वीर बहादुर की, फिर दीनदयाल की, छत्रपति शिवाजी की, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की, यहाँ पे बहुत बहुत यूनिवर्सिटी हैं। सभी यूनिवर्सिटियों के बारे में मैं एक बार बता दूं कि आपके पास जो भी यूनिवर्सिटी है उसकी एक ऑफिशियल लिंक होती है, जो यहाँ पे रेड कलर का जो डॉट अप डाउन कर रहा है, यहाँ पे mgkvp.ac.in होता है। ऐसे ही करके आपकी कोई वेबसाइट होगी या आपकी यूनिवर्सिटी की ऐसी वेबसाइट होगी, वहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा mgkvp पर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे इसके इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो नीचे जाकर इन्फॉर्मेशन इतनी दी है, इनकी सभी इन्फॉर्मेशन को आप ले सकते हैं। ध्यान रखे रहेगा कि कोई भी इन्फॉर्मेशन इसके सबसे लास्ट में होती है, यानी सबसे नीचे होती है। अगर कोई भी एप्लीकेशन या कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके सबसे लास्ट में होते हैं। अगर किसी भी चीज़ का रिजल्ट, एडमिट कार्ड या कुछ भी आपको शो करना होता है तो स्टूडेंट में जाना होता है। कहाँ पे? स्टूडेंट में। यहाँ पे एडमिशन, एग्जामिनेशन, टाइम टेबल एंड रिजल्ट, सिलेबस। तो हम लोग को रिजल्ट से मतलब है बीए फर्स्ट ईयर के रिजल्ट, तो यहाँ पे बीए फर्स्ट ईयर के रिजल्ट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद हम लोग को रिजल्ट पर क्लिक हो जाएगा। यहाँ पे एनुअल या सेमेस्टर एग्जामिनेशन रिजल्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे, एनुअल या सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आपको करना होता है डायरेक्ट यहाँ से, आपको वैसे मैं पीजी कर रहा हूँ, आपको यूजी करना होगा। आप यूजी में हैं क्योंकि आप लोग क्या किए हैं, आप लोग किए हैं क्या कहा जाता है, आप लोग ग्रेजुएशन बीए बीएससी जो भी कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट सर्च, आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर दिखाएगा बीए फर्स्ट ईयर। मेरा एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर दिखा रहा है, आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर दिखा रहा होगा। यहाँ पे आप अपने कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना होगा, जो भी कॉलेज पर आप पढ़ते हैं उस कॉलेज का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको आपको डायरेक्ट अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे अपना रोल नंबर भरना होगा जो आपके एडमिट कार्ड में दिया है। आपका अगर रोल नंबर आपको एडमिट कार्ड में नहीं मिला है तो आप इसकी भी एक 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 सबसे बढ़िया उपाय होती है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट एक मिलती है कि आप वहाँ पर जाके हेल्पलाइन नंबर पर आप वो कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पर आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर करना होगा। आप जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप उस डेट बर्थ को अपने इसमें क्या कर दीजिएगा, फिल कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ फिल करेंगे तो उसके बाद आपको आपको तुरंत तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं, अपना यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप, अगर रिजल्ट आ गया होगा तो आपका रिजल्ट यहाँ पे तुरंत तुरंत सोझा हो जाएगा। तो आपको मैंने बता दिया कि बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कैसे देखते हैं, आपको मैंने बता दिया कि बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट 2090 कैसे देखते हैं। अगर आपको यह समझ में आ गया है कि बीए फर्स्ट ईयर 2000 का रिजल्ट 90 का रिजल्ट कैसे देखते हैं, इस बात को अगर आपको समझ में आ गया है तो इस बात को ध्यान रखे रहेगा कि मैं आपको हमेशा नई नई वीडियो, नई नई इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर आपको ऐसी ही बीए सेकेंड ईयर के रिजल्ट आपको देखने हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का, कोई भी एलएलबी, एमबीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक, जो कुछ भी रिजल्ट देखना हो तो मुझसे एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर आपको वीडियो बना के दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा होता है। तो इतना अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा और इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा। नए नए अभी आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बीए सेकंड ईयर के रिजल्ट के बारे में।